रोहतास पे चली जा रहा है तेरा संदीप रात्रि सारा का सारा फेर कर काटता घटा पाऊंगे। संदीप जी ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। रात्रि को मंत्री जी ने कहा, मंत्री जी ने कहा यार तू चुनाव लड़ेगा मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव लड़, चुनाव लड़ने का लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है। उदयपुरवाटी विधानसभा से विधायक बनने का सपना देखने वाले एक नेता की पोल खुल गई है। बड़े बड़े दावे करने वाले नेता की पोल उसके करीबी ने खोल के रख दी है। नेता के करीबी ने खुलासा किया है कि नेता मदद के लिए मंत्री गुड्डा से रात के अंधेरे में मिलने गया था और मंत्री गुड्डा ने उसकी मदद की थी। अब नेता मंत्री गुड्डा के खिलाफ बयान दे रहा है। संदीप जी का मेरे बार 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 फोन आया, फिर मैंने भी जितनी बार संदीप जी ने फोन किया उतनी बार मैंने मंत्री जी को बार बार फोन किया। मंत्री जी करीब रात्रि का 2 बज गए, 13 तारीख को 14 तारीख ला गई, रात्रि का 2 बज गए 13 तारीख को। तो मैंने मंत्री जी को कहा कि भाई साहब ये काम करना पड़ेगा, हमारे समाज का धार्मिक कार्यक्रम है, सभी समाज के लोग इकट्ठे होंगे, ये कल ने गलत काम हो जाएगा। तो मंत्री जी ने मेरी बात को रखे कहा कि आप गिरावड़ी फार्म आ जाओ, फिर मैं और संदीप जी और उसकी पूरी टीम और ग्वाला सरपंच श्रीराम जी ये सारे लोग हमने मंत्री जी के गिरावड़ी फार्म हाउस पे गए और गिरावड़ी फार्म हाउस से हमने मंत्री जी को रिलाइज करवाया कि सर ये कोई कार्यक्रम है धार्मिक, आप इसमें एसडीएम साहब को और एसएचओ साहब को, मंत्री जी ने रात्रि को ही एसएचओ साहब और एसडीएम साहब को दोनों को फोन किया और वो उसको वहाँ से पुलिस प्रशासन को उठाया। उसकी संदीप जी के पीछे पुलिस हो रही थी कि आप इस पंडाल को उठाओ, मैंने मंत्री जी को कह के उसे काम करवाया। दूसरी बात मंत्री जी ने भी कहा कि मैंने कहा कि सर चुनाव, संदीप जी ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। रात्रि को मंत्री जी ने कहा, मंत्री जी ने कहा यार तू चुनाव लड़ेगा मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव लड़, चुनाव लड़ने का लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है। फिर वहां से हमने वो मंत्री जी ने हटा दिया और वो कार्यक्रम सफल हो गया। अब ये 2-4 रोज पहले कोई मंत्री जी ने कहा था कि पंचायत उद्घाटन में कि मेरे पास कांटा निकलवाने के लिए, तो मंत्री जी कह, संदीप सैनी कह रहा है कि मैं नहीं गया। संदीप सैनी 13 तारीख को रात्रि को मैं मेरे साथ गया है, मैं टीम के साथ गया है और ये समाज के अंदर ऐसी भ्रांतियां न फैलाएं। राजनेता सर्वे समाज का होता है, एक समाज सैनिक कपड़ा फाड़ देंगे वो फाड़ देंगे। मैं भाई संदीप सैनी को बताना चाहता हूं, राजेंद्र गुड़ा का कार्य करता हूं मैं और राजेंद्र गुड़ा का पहले भी था आगे भी रहूंगा। रही बात समाज की, एक समाज किसी के बदौलत नहीं है, सर्वे समाज से चुनाव जीता है। चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ने का संदीप जी को अधिकार है, मंत्री जी को अधिकार है, परंतु समाज के अंदर ये असभ्य भाषाओं का इस्तेमाल ना करें। मेरा यही निवेदन है कि मेरे को ले जाकर मेरे को लज्जित क्यों किया, यदि काम मंत्री जी ने किया तो एहसान तो मानना ही चाहिए, एहसान तो बनता ही है। काम मंत्री जी ने करवाया है उसको प्रशासन हटा के, फिर भी उन लोगों ने बेतुके बयान दे रहे हैं। रही बात चुनाव लड़ने की, चुनाव में भी कैंडिडेट था, सरपंच का कैंडिडेट था, पचलंगी गांव से तीनों सीट पंचायत समिति सरपंच और जिला परिषद रिजर्व हो गई और आगे चुनाव लड़ेंगे, परंतु किसी के बेतुक बयान नहीं दें। जय हिंद जय भारत।